केंद्र सरकार ने जेबीबीएनएल के पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीदने पर रोक लगा दी है। वहीं डीवीसी को भी 10% बिजली कटौती का निर्देश दिया गया है। इसकी बड़ी वजह है जेबीबीएनएल ने डीवीसी को वर्तमान बिल का भुगतान नहीं किया है। वर्तमान बिल के भुगतान में 45 दिनों के विलंब होने पर केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज एंड रिलेटेड मैटर्स रूल 2022 के तहत रोक लगा देती है। ये नियम जून 2022 से लागू है। जून में ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी। ये भी कहा था कि पूर्व के जो भी बकाए हैं उसका भुगतान फौरन कर दें। वहीं वर्तमान बिल के भुगतान में देरी होने पर धीरे धीरे बिजली कटौती शुरू कर दी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम पर 88,43,00,000 रुपये बकाया है। झारखंड में औसतन रोजाना 2,000 मेगावाट के करीब बिजली की मांग रहती है। पीक आवर में ये मांग बढ़कर 2,200 मेगावाट तक चली जाती है। इस मांग की पूर्ति के लिए पीक आवर यानी शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदी जाती है, जिसकी दर अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट तक होती है। सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अंजनी, देखिए झारखंड को अतिरिक्त बिजली खरीदने पर फिलहाल रोक लगी हुई है और दूसरी ओर डीवीसी द्वारा भी कमांड एरिया में 10% से ज्यादा बिजली कटौती का निर्देश है। ऐसे में अभी जो त्योहारी सीजन है, परेशानियां तो जाहिर तौर पर आम जनता को ही भुगतनी होगी। देखिए भारती, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है, पैसा बकाया है और इसके पहले भी आपको याद होगा कि लगातार कई मामले इससे जुड़े हुए लगातार आते रहे। पैसा बकाया है, पैसा आज मिले, कल मिले, जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी दीपावली का वक्त है, अभी धनतेरस का वक्त है, कहीं ना कहीं 2 साल के बाद जो है बाजारों में रौनक लौटी है। लेकिन जिस तरह से रांची में, क्या पूरे राज्य में जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, ग्रामीण इलाकों में देखेंगे 4 से 5 घंटे बिजली कट हो रही है और अमूमन जो है बिजली जो कट हो रही है शाम में 5 बजे के बाद जो है बिजली की आंख मिचौनी शुरू हो रही है। लेकिन उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो पीक आवर में जिस तरह से पावर की जो खरीद और बिक्री होती है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है और जिसके कारण से राज्य में एक बिजली संकट जो है वो गहराता जा रहा है। इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे मार्केट में, इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे राजस्व में, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की खुशियों पर, क्योंकि जिस तरह से त्यौहार धनतेरस को लेकर बड़ा बाजार सजा है और मैंने पहले ही कहा कि 2 वर्षों के बाद बाजारों में रौनक लौटेगी पूरी तरह से, क्योंकि 2 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो धनतेरस में लोगों ने उतनी खरीदारी नहीं की है और इस बार जो है 35 से 40% ज्यादा बिक्री होने का अनुमान है और दिन में भी पावर कट हो रहे हैं, शाम में तो कट हो ही रहा है, बिजली की आंख मिचौनी शुरू हो ही रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले को लेकर थोड़ा सा बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए ताकि आम जनता, आम व्यापारी जो है वो ज्यादा परेशान नहीं हो। और त्योहार का वक्त है, आने वाले समय में छठ है, अभी सबसे पहले आप देखेंगे तो धनतेरस का बड़ा बाजार सजा है और लगातार बिजली की जो कट हो रही है। अंजनी, अब अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो पब्लिक को कैसे सप्लाई किया जाएगा, बिजली सप्लाई कैसे होगी, कैसे वो निर्बाध आपूर्ति होगी और जितने की डिमांड है उतनी पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए कोई विकल्प तो तलाशना पड़ेगा सरकार को। और देखिए अमूमन, देखिए एक बात तो जरूर देखना चाहिए कि पूरे भारत में देखेंगे तो हर राज्यों में अलग अलग तरह की समस्याएं रहती हैं,
लेकिन झारखंड यहीं पे है, झारखंड यहाँ से कहीं मूव नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है आरती की जो बड़े आला अधिकारी हैं कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता, एक मध्यम मार्ग जो है उसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए और थोड़ा सा लचीला भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में आप देखेंगे कि कोयले की आपूर्ति पूरे भारत में होती है और बिजली उत्पादन में इनका बड़ा सहयोग रहता है, तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है जो बड़े आला अधिकारी हैं जो इस मामले को लेकर थोड़ा लचीला होने की जरूरत है, ताकि राज्य में रहने वाले जनता को, राज्य में रहने वाले जो व्यापारी है उन्हें परेशानी नहीं हो, क्योंकि पीक आवर में बिजली गुल हो रही है और वैसे में इसके इम्पैक्ट जो है बाजारों में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंजनी आपका। तो डीबीसी भी 10% बिजली कटौती करेगा और उसके बाद देखिए अब डिमांड भी बढ़ रही है तो भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे में अब क्या विकल्प होगा जेबीवीएनएल के पास, ये देखना होगा। तो झारखंड में फिर बिजली संकट गहरा सकता है, जेबीवीएनएल के अतिरिक्त बिजली खरीदने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है, डीबीसी भी 10% कटौती करेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि इस त्योहारी सीजन में कैसे बिजली निर्बाध आपूर्ति कर पाता है जेबीवीएनएल। और हमारे साथ रांची एरिया बोर्ड के जीएम पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत मैं डीके से बोल रहा हूँ, जीएम साहब नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, डीके से वास्तव जी नहीं हूँ। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए अगर आप इस मामले पर कुछ कह सके। देखिए अब खरीद पर, बिजली खरीद पर रोक लगा दी गई है, डीवीसी भी 10% कटौती करेगा, तो ये जो फेस्टिव सीजन है इसमें कैसे निर्बाध आपूर्ति हो पाएगी सर? क्यों डीवीसी 10% कटौती करेगा, ऐसा कहां से मैसेज मिला? ये डीवीसी की तरफ से है कि दस भुगतान नहीं हो पाया है, भुगतान नहीं हो पाया है। डीवीसी सप्लाई 7 डिस्ट्रिक्ट में करता है और जो डीवीसी का 88,43,00,000 रुपए जो बकाया है उसका भुगतान नहीं हुआ है इसी के एवज में। वो मैं नहीं बता पाऊंगा, हेडक्वार्टर से लोग बता पाएंगे कितना बकाया है क्या है। हम लोग का डीवीसी कमांड एरिया नहीं है, डीवीसी कमांड एरिया का 7 जिला है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा। अच्छा चलिए ठीक है बकाए का छोड़ दीजिए, ये जो रांची और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं सर उस पे हम बात कर ले, वहाँ पर जो बिजली रांची और ग्रामीण इलाका है वो मैंने शेडिंग किसी तत्कालिक मैंने जो टेम्पररी कोई कारण हो गया उसके कारण हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मैंने निर्बाध बिजली मिलेगी पूजा में। नहीं सर देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इतनी जल्दबाजी में है कि आप सवाल भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, मैंने सवाल पूछा ही नहीं आपसे कि आपने जवाब दिया, मैं ये पूछ रही हूँ कि लोड शेडिंग का भी एक दायरा होता है सर, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे मैक्स टू मैक्स, लेकिन आप देखिए शाम में अगर बिजली जाती है तो 4 घंटे सर मुझे कम्प्लीट तो करने दीजिए, आपने तो सवाल से ज्यादा जवाब दिया है, 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लोग कैसे जिए? लोड शेडिंग जितना डिमांड है और रिक्वायरमेंट डिमांड जितना है और अवेलेबिलिटी जितना है उस पर लोड शेडिंग का डिसाइड होता है कि कितना किया जाएगा। तो ये चीज क्लियर भी होना चाहिए ना सर, कितना होगा नहीं होगा रहेगा तब ना, कि मैंने ये तो मान के इकाई का अगर आ जाएगा शेडिंग का मैसेज पहले से क्लियर कैसे रहेगा? तो सर कैसे होगा ये, आप त्योहार में अगर इतना लोड शेडिंग होगा तो आप लोग के पास विकल्प क्या है, मतलब अंधेरे में रहे हम लोग त्योहार में? आप जीएम कमर्शियल से इस पर इशू पर बात कर लीजिए, वो मैं उनका नंबर बता दूंगा जी। दे देता हूँ, इसलिए कि पावर परचेज हेडक्वार्टर से होता है, जो हम लोग को अवेलेबल रहता है उसको हम लोग अगर फुल लोड है तो सब एरिया में मिलता है, अगर अगर कम लोड अवेलेबल रहता है फिर हम लोग शेडिंग करते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए
इस तरह से बातें कैसे अधिकारी पल्ला झाड़ते हैं, पहले तो सवाल सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको भी पता है और जो रांची और रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कैसे शाम के 4 बजे के बाद घंटों बिजली नहीं रहती। और अब तो सामने त्योहार भी है, दीपावली छठ जैसे त्योहार है, और इसमें भी अगर 4 से 5 घंटे 6 घंटे अगर लोड शेडिंग होती रही तो लोग त्योहार कैसे मनाएंगे अंधेरे में, ये आप और हम बखूबी समझ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम वापस लौटेंगे तो खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।